बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ वेज पिकल, और जो सब्जियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ उनमें है खीरा, प्याज और गाजर। आप फूल गोभी का भी अचार बना सकते हैं सेम इसी विनेगरेट और सेम इसी तरीके के साथ। जो खीरे मैंने लिए हैं ये हैं थोड़े पतले साइज़ के, और इसी साइज़ के खीरे लेने हैं क्योंकि ये बेस्ट रहते हैं पिकलिंग के लिए। जो मोटे साइज़ का होता है उसके बीज मोटे होते हैं, पानी ज़्यादा छोड़ देता है। मैं काट रही हूँ आठ सर्कल्स। आप पील भी कर सकते हैं, पीलर की मदद से लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट सकते हैं या वेजेस में काट सकते हैं, तो जैसा आप प्रेफर करें। और सर्कल्स हम काटेंगे उन पर 1/8 इंच के, बहुत बारीक नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमने करना क्या है, खीरों को अपने ले लेना है एक छलनी में, और नीचे हम रखेंगे एक बर्तन, उस पर डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि जो इनका एक्सेस पानी है सारा वो निचड़ जाए। खीरे, गाजर देख लें, गाजर का भी वही है, आप पीलर की मदद से स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं, इस तरह की बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं आज काट रही हूँ डायगोनल स्लाइसिस काट रही हूँ, वही 1/8 इंच के, ठीक है, इस साइज़ के आप काट लें। बिल्कुल आपकी अपनी प्रेफरेंस है, जिस तरह की मर्ज़ी आप वेजेस काटने का, खीरे गाजर के वेजेस भी काट सकते हैं। और इनके जो है प्याज मैं काट रही हूँ 1/2 सर्कल्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इनको नमक नहीं लगाना है, इनको हम सिंपल इसी तरीके से इनमें विनेगरेट डालेंगे। जी, ये सब्ज़ियाँ कट की हैं सारी, प्रेप हो गई है। अब हम जो है इनको जार्स में डाल लेंगे। जार्स में डाल के थोड़ा चम्मच की मदद से प्रेस कर दें ताकि एयर पॉकेट्स ना रहें और अच्छे तरीके से सारा जार फिल हो जाए। ये देखिए इतना पानी छोड़ दिया था खीरों ने, अब हम इनको करना है कि हम इनको रिंस करना है, अच्छे तरीके से सारा नमक निकाल देना है इसका। उसके बाद बस इसके खुश्क होने का वेट नहीं करना, इनको अभी खीरों को भी हमने जार में डाल लेना है। और इसके बाद हम विनेगरेट बनाएंगे। विनेगरेट बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप सिरका। ये मैं सिंगल की रेसिपी दे रही हूँ क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा हैं, तो मैं डबल करूँगी इस रेसिपी को, लेकिन फिलहाल ये जो रेसिपी है सिंगल की दे रही हूँ मैं आपको। ये 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून मेथी दाना और 1/8 टीस्पून हल्दी, और एक बड़ी मैंने ली थी लाल मिर्च। अगर आपके पास नहीं है ताज़ी वाली लाल मिर्च तो आप 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल दें, और 1/2 टेबलस्पून जाएगी इसमें चीनी। अब इन सब चीज़ों को डाल के हमने इनको इसको पकाना है अच्छे तरीके से। 2-3 बॉयल आएंगे तो हमारा विनेगरेट तैयार हो जाएगा और हम इसको जार्स में डाल देंगे। अच्छा सा बॉयल आना चाहिए, जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो 2 से 3 मिनट इसको पकने दें धीमी आंच पे। उसके बाद इसको जार में गरम गरम डालना है। अच्छा, अगर आपको है कि क्रंची रहें ज़रा सब्ज़ियाँ तो फिर इसको थोड़ा सा नीम गर्म होने दें फिर डालिएगा, लेकिन मैं गरम गरम ही डाल देती हूँ कि कलर बड़ा अच्छा आता है खीरों का स्पेशली। ये सारे जार्स जो है विनेगरेट से फिल कर लेने हैं, और फिर कोई लंबा सा स्क्वायर लेके या कोई लंबी छुरी लेके अंदर तक मारनी है ताकि अंदर कोई एयर पॉकेट्स हैं तो वो निकल जाएँ और आपका जो विनेगरेट है वो हर जगह पहुंच जाए, नहीं तो फिर वहाँ पे फंगस लग सकती है, ख़राब हो सकते हैं खीरे वहाँ से। सो 2-3 जगह से आराम से डाल के उसको हिला दें ताकि एयर पॉकेट्स सारी निकल जाएं। अब देखिए एयर पॉकेट्स निकल गई है ना, तो विनेगरेट नीचे हो गया, फिर इसके ऊपर उसमें पूरा भर देना है इसको ऊपर, ताकि सब्ज़ियाँ इसमें डिप होनी चाहिए। जी, तो पिकल हमारा तकरीबन तैयार है। अच्छा, इसी विनेगरेट के साथ मैं बाकी सब्जियाँ भी बनाती हूँ, जैसे फूल गोभी होगी, चुकंदर हो गया, शलजम हो गया, मूली होगी, तो जो उनसी सब्ज़ी आपका दिल करता है, जो उनसी अच्छी लगती है आप इस विनेगरेट के साथ बना सकते हैं। बस चिलीज़ का मैं डिफरेंट रखती हूँ, जो मैंने आपके साथ पहले रेसिपी शेयर की है वो मुझे चिलीज़ उसी में अच्छी लगती हैं। सो जी, पिकल हमारा तैयार है, इसको आपने गर्म गर्म डाल दिया है, अब इसके ठंडा होने का वेट करना है, फिर इनको लिड को बंद करना है और फ्रिज में स्टोर करना है, बाहर नहीं रखना। और ये महीना तो आराम से निकाल जाती है, लेकिन मेरे घर में तो ज़्यादा नहीं चलती, सबको बहुत पसंद है, इवन दाल चावल के साथ भी सब खा रहे होते हैं। तो आप इनको लगा सकते हैं सैंडविचेस में, रोल में, शवारमा में, कोई भी टाइप का रोल बना रहे हैं, बुरीतो बना रहे हैं, उसमें लगा सकते हैं। सो इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा मेरे पेजेस पे, मैं लिंक्स नीचे दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।